कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने अपने पद व वेतन से संबंधित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया, किंतु हरियाणा सरकार स्टाफ नर्सों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है और सभी स्टाफ नर्सें काले बिल्ले लगाकर अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लेकिन जब स्टाफ नर्स से बात की गई तो स्टाफ नर्स का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 4 तारीख को सीएम सिटी में जाकर सीएम के निवास का घेराव करेंगे। जब इस बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि स्टाफ नर्सों की कुछ मांगे हैं, वो अपनी मांगे सरकार से मनवाने के लिए काले बिल्ले लगाकर अपनी ड्यूटी कर रही हैं। मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी मरीज का इलाज सही ढंग से चल रहा है। जो नोटिफिकेशन किया गया था उसमें 4600 का ग्रेड था और एक था हमारा स्टाफ नर्सिस के बजाय नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि दिल्ली वगैरह में सब कुछ चेंज हो चुका है। और दूसरा था नर्सिंग सिस्टर का भी, जैसे अगर स्टाफ नर्स का चेंज होता है तो निचली नर्सिंग सिस्टर का भी चेंज होगा, तो उसका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का नाम चेंज करता है। और मैटर्न का और नर्सिंग स्कूल की जो प्रिंसिपल का था उनको राजप्रति घोषित करने की, और जो नर्सिंग अलाउंसेस है वो हमारा 7200 रुपया था। और तीसरा था थर्ड ACP के बाद स्टाफ नर्सिस नर्स को एसोसिएट नर्सिंग सिस्टर का पद के लिए प्रमोशन करना। और जो हमारी बेसिक पे जैसे हमारी मांगों में बेसिक पे का 10% में बाद भत्ता देने की भी डिमांड थी, लेकिन जो हमारा ये 4600 का ग्रेड हुआ है तो जो हमारी नर्सिंग सिस्टर यहाँ का उसमें हमारा कोई स्लैब नहीं बना, नर्सिंग सिस्टर और मैटर्न का कोई स्लैब नहीं आया, जबकि सीनियर को तो कोई इसमें बेनिफिट ना हुआ। जो हमारे से स्टाफ नर्सिस हैं जहाँ उनको तो है ये, तो ये हमारी 3-4 डिमांड। तो क्या मैडम आप काले बिल्ले लगाकर आप, हमने ये अभी गवर्नमेंट के सामने हमने रोज प्रकट कराया कि जो हमारी 6-8 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी उसके ऊपर कुछ हमारा नोटिफिकेशन नहीं कोई हुआ, इसलिए फिर हमने ये अभी तो रोज प्रकट कराया। अगर उसके बाद 4 को है हमारी, 4 को 2 घंटे सीएमसीटी का खराब है, 2 घंटे की भी तो स्ट्राइक थी, 4 को ही है सीएम का, जाके 20 जुलाई 2019 को स्टाफ नर्सिस एसोसिएशन के आह्वान पर स्टाफ नर्सिस एसोसिएशन की जो लंबित मांगें सरकार के पास पेंडिंग है उनके चलते स्टाफ नर्सिस ने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट करने का मेमोरेंडम दिया हुआ है। लेकिन इसमें इसके दौरान काम में किसी भी प्रकार की मरीजों की या मरीजों की देखभाल में कोई प्रकार की कोताही नहीं है, क्योंकि सभी स्टाफ नर्सिस ड्यूटी पे हैं और पूरी तत्परता से अपना काम कर रही हैं, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सारी जो स्टाफ नर्सें हैं वो सिर्फ काले बिल्ले लगा कर ही, हाँ आज के दिन तो उन्होंने यही बताया कि वो सिर्फ काले बिल्ले लगा के काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।